सो हे मतलब गाइस कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस आज शाम को हम पतंग उड़ाएंगे और अभी फिलहाल ना गाइस चीनू स्कूल में गया हुआ है। चीनू को ना अपनी बाइक से बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बाइक से और जब भी स्कूल से आता है ना अपनी बाइक देखता है सबसे पहले। तो गाइस एक काम करते हैं, आज उसके साथ प्रैंक करते हैं कि भाई उसकी बाइक चोरी होगी और फिर उसका रिएक्शन देखेंगे क्या रिएक्शन होगा। गाइस मैंने फिर से जिम स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा, मैं खा रहा हूँ सैंडविच। और गाइस पहले ना मेरा जिम जाना छूट गया था क्योंकि गाइस जहाँ पे आइस स्केटिंग करने गए थे ना वहाँ पे मेरा पैर टूट गया था और फिर मैं मोटा भी हो गया था। चाचा आज चीनू की बाइक ना चोरी करवा देंगे, बाइक को यहाँ पे खड़ी कर देंगे और सामने कैमरा लगा हुआ है वो इसको चुरा के ले जाएगा। चीनू को ना रिकॉर्डिंग दिखाए कैमरे की। गाइस देखो भाई बाइक तो चोरी हो गई है, ये भाई बाइक चोरी करके ले गया। अभी मैं जा रहा हूँ भाई चीनू को स्कूल से लेने। दूर से देख लिया गाइस ये देखो भाई चिकी ने कितनी सी टॉफी दी मेरे को, एक ही टॉफी दी इसके बाद छोटी सी थोड़ी थोड़ी सबके साथ शेयर कर ली, शेयर करके खा रही है। गाइस ये देखो भाई पूरी गाड़ी पे छीट लग गई, कीचड़ में फंस गई थी गाड़ी। क्या हाल हो गया ओ भाई, आगे ले गए चीनू यार, तू गिरता रहता है यार, खड़ा हो। क्या हुआ चीनू, क्या हुआ इसकी बाइक कहाँ है, कहाँ है बाइक, कहाँ चिनू की बाइक ही नहीं मिल रही है। देखो भाई इसने प्रैंक लग रहा है, यो तेरा प्रैंक लग रहा है ना, एक रैप्टा मारूं तो सारा प्रैंक कट जाएगा, एक रैप्टा मारूं तो सारा प्रैंक कट जाएगा। गाइस अभी ना कैमरे में चेक कर रहा है भाई, ये तो ए पे खड़ी है बाइक, तो घर के अंदर कैसे घुस गया, इन्हें मारे दरवाजे बंद थे, घर के अंदर से लेके चला गया, क्या हुआ ढूंढ ली। गाइस ये देख लो, मतलब एक तो प्लान बनाया चाचा ने, ये बंदे को भी पहचान गया, उसका पजामा भी देख लिया, हर तरीके से पहचान गया उसको। कहाँ है बाइक, गाइस ये देखो भाई यहाँ से बाइक लेने आए, यहाँ से भी कोई और ले गया, छोटा सा ही था क्या बच्चा, कौन मार का तो नहीं खड़ा था कोई, सुबह कोई खड़ा था हमारे साथ, जब सोच रहे थे कि भाई प्रैंक करना है, ये गया है ना उसके बाद ही आया वो लड़का, 5 मिनट भी नहीं लगा। गाइस ये देखो भाई चीनू का सीन हो गया, मतलब हम तो प्रैंक कर रहे थे, चीनू ने ढूंढ भी ली थी दिमाग लगा के, पर यहाँ से कोई फायदा उठा के ले गया, नहीं मिल रही ना, तू देख आया पूरी। अभी ना भाई 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, हेलो सर हमारी बाइक चोरी होगी, बच्चों वाली बाइक थी 49cc की, तो जिप्सी का अरेंज करो सर। ठीक है सर, फोन तो कर दिया पुलिस वाले के पास, हम भी थोड़ा ढूंढ लेते हैं क्या होगा। चीनू साथ लिया था बाइक को, वहाँ छोड़ ही आया, 10 साल का हो गया ना, 16 साल का हो जाएगा ना, तो तेरे लिए बड़ी वाली ले आई है, प्रिया क्रिया की स्कूटी चला लियो, अपनी बाइक से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, स्कूल से आते बाइक को देखता था पहले, अभी 10 साल का हो गया ना, 16 साल का हो गया ना, 125cc वाली दिलवा देंगे, स्कूटी चला लियो, आज ना पतंग उड़ाते हैं, पतंग चल पतंग लेने चलते हैं, चलो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये देखो भाई ये ना भगवान से दुआ मांग रहा है, बाइक दिला दो, नई बाइक दिला दो या फिर वही बाइक दिलवा दो, वही बाइक चाहिए, बाइक थी, चल कोई नहीं आ जा। अभी हम जा रहे हैं भाई पतंग लेने, पतंग उठाएंगे, बाकी चीनू के साथ ना बहुत बड़ा पोपट हो गया, अब ना इसकी 6 साल बाद लाएंगे, ऐसे कहाँ से लेके आए, देख तो छोटा बच्चा थोड़ी रह रहा है, भूल जाए यार बच्चा थोड़ी है, जैसे स्कूल जाता था ना पेट्रोल भी नहीं रहता था बाइक में, तब भी बाहर ले जाके बिना बात पे वो खींचता रहता था, बैठता देखता रहता था, बहुत अटैचमेंट हो रखी थी इसको, बस ना तू 6 साल रुक जा, 1 साल में 365 दिन होते हैं। फाइनली भाई पतंग तो ले लिया है, ये बड़ा साइज था और ये अल्ट्रा लार्ज साइज है, ये देखो इसके सामने कितना छोटा सा लग रहा है, ये आशु और छोटे वाले चाचा के लिए लिया है और ये वाला हम उड़ाएंगे, आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। गाइस अभी आशु आया है, चीनू को ट्यूशन लेके जा रहा है और रोहियो मत ट्यूशन में जाके। सो गाइस फाइनली पतंग तो ले आए हैं, अभी ना भाई मस्त पतंग उड़ाएंगे, आपके साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है
₹50 की पैसों पैसों की मत करो, ये अच्छी बात नहीं होती पता है, ये बैटिंग वैटिंग करने। एक चीज और, कल ना भाई हम सब भानगढ़ जा रहे हैं, वहाँ पे ना भाई देखते हैं कि भूत वगैरह है या नहीं है। मेरी घोस्ट डिटेक्टिंग मशीन भी ले जाऊंगा साथ में, और वहाँ पे मीठा वगैरह भी खाएंगे अंदर जाके, जो भी हो सकता है ना वो सब चीजें करेंगे, चेक करके आएंगे कि वहाँ पे भूत है या नहीं है। मजा आ जाएगा है ना, मजा क्या पता नहीं क्या क्या आएगा, जैसे घुसोगे ना एंट्री में अंदर तक जाएंगे, हर एक चीज कर देंगे भूत को उकसाने के लिए, जिससे भूत हमारे पास में आ जाए। देखते भाई वहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं है। जैसे ना भाई हमारा ना डर थोड़ा कम हो रखा है, हॉन्टेड जंगल में कैंपिंग करी थी उससे तो बहुत ज्यादा डर कम हो गया मेरा। पेंथू बस कैसे देखो भाई, पेंथू ना भी बच्चा ही है और अभी से कूदने लगे हमारे ऊपर फैनी की तरह, उससे भी ताकतवर बन जाएगा। ये सबको माफ कर देगा, पेंथू ओ भाई। गाइस ये ना भाई कैल्शियम की हड्डी है, ये देखो इसके अंदर पेशेंस कितना तगड़ा है, बहुत खतरनाक हो गया पेंथू तू तो। गाइस ये देखो उसके हाथ जितने पंजे हैं, उसके हाथ में पूरे भर गए यार, कितने बड़े हाथ इसके। बस 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 भाई मेरे ऊपर क्यों खड़ा है तो भाई मेरे ऊपर खड़ा होगा बिल्कुल शेर की तरह। एक महीने बाद ना पैंथर को ड्रैगन से मिलवाएंगे और ये देखेंगे भाई कौन किस पे भारी पड़ेगा ज्यादा। यही पड़ेगा भैया, झपट्टा मार रहा है तो। बस बस पैंथर बस झपट यार, बस बस भाई क्या कर रही है। गाइस ये तो भाई बहुत खतरनाक दिखने लग गया यार। कोई यकीन कर सकता है दो महीने का ये, कोई करेगा यकीन। गाइस जो ड्रैगन है ना मतलब वो भी 7 महीने के आसपास है, ये देखो भाई उससे ही बड़ा हो गया, ये 2 महीने की एज में ना उससे ही बड़ा हो गया ये। गाइस अभी फाइनली पतंग उड़ा रहे हैं, आपस में कन्ने लड़ाएंगे पतंगों के, ये देखते भाई किसकी ज्यादा पतंगे कटेगी। एक साइड चाचा, एक साइड मैं कहाँ उड़ाऊंगा फिर, तो उचका पकड़ियो ना। मैं तो बहुत पतंग उड़ाई आपको नहीं पता, हमने भी कभी ना देखा पतंग उड़ा, भरी धूप में भी ना जब कोई भी पतंग नहीं उड़ाता मैं तब भी पतंग उड़ाता था। कह रहे झूठ बोल रहे हैं, नहीं पता आपको, चलो अभी देख लेता। एक साइड मैं, एक साइड आप। गाइस मैं उड़ाता हूं चलो पतंग, ये कह रहे कि मेरे को उड़ानी नहीं आती। निक को पतंग उड़ा रहा है भाई, उड़ तो गई पतंग भाई, काफी ऊपर उड़ा दी पतंग। गाइस देखो भाई कैसे ढील देती, ऐसा लगा कट गई। बस 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 गाइस चाचा कह रहे थे कि भाई मेरे को ना पतंग उड़ानी नहीं आती, एक बारी में उड़ा दी। चाचा ने पतंग उड़ाई और पतंग कटवा दी पहले ही, कैसे कट गई चाचा ये। अरे यार खुद के मान जैसे ही खुद की पतंग कट गई चाचा की। गाइस फाइनली चाचा ने पतंग उड़ा ली है, चाचा लिया हो आपकी पतंग काट दूंगा मैं। मेरी बेस्ती कर रहे थे कि भाई तूने कोई पतंग नहीं उड़ाई है और वो एक ही झटके में पतंग काट दी। गाइस कह रहे बेकार मांजा लाए हैं, दोनों का मांजा सेम है। ये भाई कह रहा था कि भाई की भाई निक्कू भैया की पतंग काटेंगे, ये अकेला ना चाचा की टीम में था, अब कह रहा बेकार टीम में आ गया। अभी ना भाई चाचा पतंग उड़ाएंगे तो भी चाचा के साथ पीछे करते हैं, काट दोगे मेरी, काट दूंगा अभी देख। कट गए तो कट गए ओ भाई, पीछे हो गए, छोड़ दो छोड़ दो। भाई कितनी दूर चलेगी दोनों की पतंग, खींच मारो खींच, चाचा की भी काट दी, चाचा की पतंग काट दी, कैसा लग रहा आपको। आप तो कह रहे थे कि भाई मेरे को उड़ानी नहीं आती, मैं कहाँ उड़ाऊंगा फिर, तो उसका पकड़ियो ना। म्यूजिक ये देखो गाइस मेरी पतंग अभी भी उड़ रही है, मेरा दिन आज। गाइस चाचा कह रहे मैं लकी हूँ, लकी क्यों हूँ मैं, तो ये लक नहीं होता, स्किल्स होती है। वो एक पतंग के साथ और हो गए, ऐसे कर देना जब ऐसे करते। दूसरी पतंग काटती गाइस मैंने, कितनी दूर से काटी, अभी तक तो किसी ने मेरी काटी नहीं है। गाइस फिलहाल 5:45 हो गए हैं, चीनू के आने का टाइम हो गया ट्यूशन से, आते इसको सरप्राइज देंगे कि भाई इसकी बाइक चोरी नहीं हुई थी, प्रैंक कर रहे थे उसके साथ। सो गाइस चीनू भी ट्यूशन से आ गया है, अब ठीक है मूड तेरा, ठीक तो नहीं अभी भी दिमाग में रहती है, कभी भुला नहीं पाएगा उसको तू। कह रहा उसको कभी भुला नहीं पाऊंगा मैं, कह रहा नहीं अभी भी मेरे को याद आती है। बेटा पूरा सेंटेंस बोला करेगा, नहीं भूलेगा कभी भी उसको, दूसरी आ जाएगी तब भी नहीं भूलेगा। बाइक 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 की बात हो रही बेटे, चल भाई चीनू बोरी तेरी बाइक। हमने तेरे साथ डबल प्रैंक कर दिया, तू मान के बैठ गया था बाइक गई तेरी। वो तेरे को पता था प्रैंक कर रहे थे हम। फिलहाल 7:12 हो रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं घर पे, भानगढ़ जाने की तैयारी करनी है। जो जो आ
जो सो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे। सो गाइस ये देखो भाई मम्मी ढोकला लाई है घर पे आते ही। आपने बनाई है? मम्मी ना कुछ कुछ बनाती रहती है घर पे, अच्छे लगे दिखने में तो ये खाते हैं। तेरे को भी खाना है जो। और मम्मी आज ना मैं भानगढ़ जा रहा हूँ रात को। गाइस मम्मी ने तो परमिशन दे दी जाने की, तो भानगढ़ जाएंगे बस। अभी जा रहा हूँ। तो भाई फिलहाल फाइल्स कॉपी हो रही है, एडिटिंग करके सीधा भानगढ़ के लिए निकलेंगे। और गाइस आज हमने चीनू के साथ प्रैंक किया, एक ही बारी में समझ गया और सीधा उसी के घर पे भाग गया। हमसे आगे बोल रहा है मैंने तो ढूंढ ली, मैंने उनके घर से भी चोरी करवा दी। ऐसे प्रैंक मत क्या करो, मैं दुखी हो जाता हूं। तो दुखी हो जाता है। इसको देख कैसा लग रहा था, जैसे तो पता नहीं इसको कौन छोड़ के चला गया, किसके गम में रो रहा है, ऐसा हो गया था। बाकी गाइस फिलहाल 7:43 हो रहे हैं और जल्दी से मैं ढोकला खा रहा हूं और वीडियो एडिट कर रहा हूं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।